नौवीं कक्षा की ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग एक प्रारंभ करने जा रही हूँ। आपने देखा होगा कि पाठ्यपुस्तक क्षितिज दो खंडों में है, पहला गद्य खंड है और दूसरा काव्य खंड है। आज हम काव्य खंड का प्रथम पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें पहला पाठ साखियाँ और शब्द है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पहले उसके रचयिता के बारे में जान लेना आवश्यक है, इसलिए हम लोग इस पाठ के कवि कबीरदास जी के जीवन परिचय को जाने। कबीरदास जी का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। विद्वानों का मानना है कि उनका पालन पोषण नीमा नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया था। वे पढ़े लिखे नहीं थे, स्वामी रामानंद उनके गुरु थे। उन्होंने साधुओं के सत्संग और अपने अनुभव से जीवन और जगत का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर मूलतः कवि नहीं अपितु सच्चे संत थे। उन्होंने धर्म की कट्टरताओं और संकीर्णताओं का खंडन किया। वे पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को श्रेष्ठ समझते थे। कबीरदास की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। उनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। हालांकि कबीर का काव्य साखी शबद रमैनी के भी नाम से जाना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीरदास जी की साहित्यिक विशेषताएं बहुत सारी हैं। उनका साहित्यिक व्यक्तित्व बड़ा ही ओजपूर्ण एवं आकर्षक था। वे अनुभव के आधार पर ही कुछ कहते थे। उन्होंने समाज को एकीकृत करने के उद्देश्य से आडंबर विहीन मानवतावादी सर्वमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कबीरदास ने सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया है। संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों के साथ अनेक स्थानीय बोलियों के शब्द उनकी भाषा में सहज रूप से आ गए हैं। कुछ विद्वान उसे खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। उनकी पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, पूर्वी भाषाओं के शब्दों से मिली जुली भाषा को सधुकरी भाषा कहा गया है। उनकी भाषा शैली की विशेषता के कारण उनको युग का क्रांतिदर्शी कवि भी कहा गया है। इस पाठ में 7 साखियाँ संकलित की गई हैं। तो पहले हम लोग साखी शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करें। साखी शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान है तथा यह मूल शब्द साक्ष्य का अपभ्रंशित रूप है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष यानी अनुभव पर आधारित है जो गुरु अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। पहली साखी में कबीरदास जी ने भगवत प्रेम का सजीव और सटीक वर्णन किया है। अब मैं पहली साखी का वाचन करती हूँ। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगैं अब उरी अनंत न जाहें। इसका सार है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जल से भरे मान सरोवर में क्रीड़ा करते हुए हंस उसे छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहते, उसी प्रकार ईश्वर भक्त भी भक्ति का आनंद पाकर, आत्मा परमात्मा के मिलन का परम आनंद पाकर उसमें लीन रहते हैं और उसे छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना उनके लिए संभव नहीं है। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा रचित साखियों से उद्धृत है। इस साखी में कबीरदास सांसारिक विषयों से मुक्त व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब भरे हुए कुंड में क्रीड़ा कर रहा है और आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद रूप से छूटकर जी भर कर चू रहा है। इस आनंद को छोड़कर वह अन्यत्र नहीं जा सकता। कहने का आशय यह है कि जब आत्मा सांसारिक प्रपंचों से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाता है तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती है। इस साखी का भावार्थ यह है कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूर्णतः निमग्न है। उसे भक्ति के पावन मोती चुगने को प्राप्त हो रहे हैं।
अतः वह इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाने का विचार कर ही नहीं सकता। यह भक्ति भावना की चरम अवस्था है जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इस साखी का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। इस साखी में सधुकरी भाषा का प्रयोग किया गया है। केली कराही और मुक्ता फल मुक्ता में अनुप्रास अलंकार है। मान सरोवर में श्लेष अलंकार है, क्योंकि मान सरोवर का दो अर्थ होता है, पहला मन रूपी सरोवर और दूसरा हिमालय स्थित सरोवर। गेय और लयबद्ध संगीतात्मक शैली है। दोहा छंद तथा तत्सम और तथा शब्द युक्त भाषा का प्रयोग है।